Hello class 11 student, this is your physics class and this is lecture 4. हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे कुछ फॉर्मूलाज का, किए आज फिजिक्स में कैसे जरूरत होती है डिफ्रेंसिएशन, उसको समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखो इधर एक ग्राफ लेते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ओके, एंड वी टेक द स्लोप टी वन इनिशियल टाइम, टी टू फाइनल टाइम, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, एंड दिस इज स्लोप ऑफ द ग्राफ थीटा, वी से टेन थीटा, एंड हियर वी मे राइट व्हाट डेल एक्स चेंज इन पोजीशन एक्स टू माइनस एक्स वन, हियर टाइम इंटरवल यानी टी टू माइनस टी वन। पोजिशन टाइम ग्राफ का स्लोप टेन थीटा, स्पीड या वेलोसिटी बताता है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट टाइम ले रहे हैं, सो ये वेलोसिटी बताएगा। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी इज एक्स टू माइनस एक्स वन, टी टू माइनस टी वन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम, इसको हम लोग चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम लिखेंगे। ठीक, बिकॉज ऑफ दिस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, सो एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ द रेशियो ऑफ चेंज इन पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज ए कॉन्स्टेंट, सो दिस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट velocity. So at every time object is moving with constant velocity. Okay. So अब देखो तो दूसरा केस, अगर ये velocity time के साथ साथ change हो रहा है, ऐसे केस में if we take a curved glass, curved graph, and if we take what the initial time, we take t1, final time is t2, initial position is x1 and final time is x2, in that case again if we want to find the slope, see this is curved one, so geometric definition is not symmetric, in that case we get average velocity, and what is average velocity, total net displacement by net displacement by time interval, p may write dx by dt, but we here we have the average velocity. Why it is so? Since at every change of instant of time
द चेंज इन पोजिशन इज नॉट कॉन्स्टेंट. इन दैट केस ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन इज दैट वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. देर इज ए टर्म, एक टर्म है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. व्हाट इज दिस वेलोसिटी? वेलोसिटी एट एन गिवेन इंस्टेंट. वेलोसिटी एक गिवन सेकेंड पर, गिवन टाइम पे जो अगर निकालेंगे उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड. इस केस में क्या करेंगे हम, एक टर्म होगा तुम लोग पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, उसको लिमिट कहते हैं. क्या है, अगर ये पोजीशन ए बी, ये बी इज वेरी क्लोज टू ए, अगर बी पॉइंट जो है बहुत क्लोज हो, ऐसा क्लोज कि टाइम इंटरवल अप्रोचिंग जीरो, टाइम इंटरवल टेंस टू जीरो, ऐसे केस में क्या हो जाएगा, व्हाट इज, तो चेंज इन पोजीशन विल आल्सो टेंस टू जीरो. अगर टाइम अप्रोचिंग जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो, पक्का जीरो नहीं है लेकिन अबाउट टू जीरो है, जीरो के लगभग है, तो चेंज इन पोजीशन भी वही हो जाएगा. ऐसे केस में हम जो वेलोसिटी निकालेंगे उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सिंपली उसके लिए फॉर्मूला सिंबल वी लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इंटरवल. अब इसी को हम डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? फॉर द लिमिट ऑफ टाइम टेंस टू जीरो द पोजिशन चेंज इज ऑल्सो टेंस टू जीरो, देन द रेशियो ऑफ पोजिशन टू टाइम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो वी हैव द फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज वी इज डी एक्स बाई डी टी और v is dy by dt and so on. Okay? In three dimension we may write dr by, v is dr by dt. R is the position vector and resolves and of component x, y, z, we will discuss more in your next class. Okay. Similarly, you will find if it is, this is velocity time graph. Velocity time graph. You know that velocity time graph ka slope क्या बताएगा? एक्सेलरेशन बताएगा. अगर वी टी ये स्ट्रेट लाइन आ गया, एक्सेलरेशन जो होगा वो तुम्हारा उसी तरह से चेंज इन
वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लेंगे। इसे वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, सो यहां पे एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म है। लेकिन इफ द वेलोसिटी रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी विथ टाइम इज चेंजिंग एंड वी गेट द कर्व लाइन इन प्लेस ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इन दैट केस अगेन वी से एवरेज एक्सेलरेशन एंड दिस इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल दैट इज डेल वी बाय डेल टी। नाउ अगेन फॉर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फॉर ए गिवन इंस्टेंट एंड वी राइट दिस वन लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, सो चेंज इन वेलोसिटी विल अप्रोचिंग ऑल्सो जीरो, वी से डी बी बाई डी टी एंड इट्स डिफरेंशियल फॉर्म इज डी वी बाई डी टी लाइक दिस। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी ओके एंड यू नो दैट वट इज वी, वी इज ऑल्सो डी एक्स बाई डी टी। फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी गेट वॉट डी टू एक्स बाई डी टी टू मीन्स डबल डिफरेंसिएशन, फर्स्ट डिफरेंसिएशन सेकेंड डिफरेंसिएशन, डबल डिफरेंसिएशन ऑफ पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम फॉर ए गिवन इंस्टेंट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ओके। सो यू नो दैट फ्रॉम योर 9th क्लास व्हाट इज फोर्स, फॉर्मूला फॉर फोर्स वी मे राइट मास इनटू एक्सेलरेशन इट्स ओके। सो यू मे राइट मास डी वी बाई डी टी, ऑल्सो यू मे राइट मास डी टू एक्स बाई डी टी टू स्क्वायर ओके। दिस गिव्स व्हाट व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट पॉइंट by a source and therefore we will find in many problem the differentiation of variable physical quantities are used in physics, so differentiation is very very important to learn physics easily and conveniently okay. Now we have the next is after differentiation we have to know what integral calculus we normally learn as reciprocal of differentiation, ये differentiation का उल्टा process है ठीक है। साथ में जब हमको problem आएगा तो हम लोग किस मैंने variable quantity के लिए उसका area निकालते हैं, ऐसे के जब area निकालना पड़ता है तो हमको इंटीग्रल कैलकुलस की
जरूरत होती है। ठीक है, अब इसका ऑपरेटर कैसा होगा, ऐसे सिंबल लेंगे, इंटीग्रल आई ये सिंबल लेंगे, और यहाँ पे जिसको डिफरेंशिएट, जिसको इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन रखेंगे डी एक्स डी वाई डी टी एंड सो ऑन। यानी हम जो यहाँ पे y को रख रहे हैं तो y dx, अगर y इज x टू द पावर n हो तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा i x n dx, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, x n प्लस वन बाय एन प्लस वन, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर एक एग्जांपल ले लें, आई इज एक्स फोर डी एक्स, क्या आ जाएगा मुझसे हमारा आंसर आ जाएगा एक्स चार एक पांच फाइव फाइव, और साथ में एक इंटीग्रल कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, बाय कन्वेंशन एक इंटीग्रल कांस्टेंट लग करते हैं। ये कहां से आया, तो डिफरेंशिएशन का में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो नेचुरली जीरो का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, इसी इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हो गया, उसका एग्जांपल भी देख लिए हम लोग। नेक्स्ट में देखो, अगर इंटीग्रल की एक्स एन डी एक्स है, इसमें क्या करेंगे हम, के इस इंटीग्रल से बाहर कर दिए, एक्स एन डी एक्स जैसे इधर सॉल्व किए थे, के एक्स एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। ठीक है, अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, तो ये हमारा अगला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग देख ले, सीधा एग्जांपल, इफ 4x 6 dx क्या हो जाएगा, 4x 7 by 7 4 बाई सेवन एक्स पे पावर 7 प्लस सी हो जाएगा, ओके ये आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया, ये इंटीग्रल कैलकुलस में दो फॉर्मूला आ गया। फिर हम देखते हैं आगे अगर वी हमको इंटीग्रल लेना है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w dx, सबका अलग कर देंगे, u dv by dx प्लस और माइनस v d u dx प्लस और माइनस इंटीग्रल v dx प्लस w प्लस और माइनस w dx प्लस c। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, सीधा एग्जाम्पल, 4x3 माइनस 3x2 2x प्लस 1, इंटीग्रल चाहिए हमको dx,
सबको अलग कर लो, इंटीग्रल 4x³ dx माइनस इंटीग्रल 3x² dx प्लस 2x dx प्लस dx। अब इसको सॉल्व कर दो, 4x⁴/⁴ माइनस 3x/⁴ प्लस 2x²/⁔ प्लस dx का इंटीग्रल x एंड फाइनली c। सी हियर दिस इज कैंसिल आउट एंड दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट, सो यू हैव द आंसर x⁴ - x³ x² + x एंड प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। इट्स ओके, थैंक यू, वी विल डिस्कस मोर इन नेक्स्ट क्लास अबाउट द इंटीग्रल कैलकुलस।